जय हिंद, राम राम। सभी पेंशन धारक, पेंशन भोगी व रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए बड़ा नोटिस आया है ORP 3 के ऊपर। ORP 3 का टेबल जारी हो चुका है। ऑफिशियल जो न्यूज़ है, ऑफिशियल जो यहाँ पर नोटिफिकेशन है, वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है सभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। और जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव था, उसके ऊपर देखिए इम्प्लीमेंटेशन की जो पूरे की पूरी लेटर है वो यहाँ पर बाकायदा आई है। और इसमें हर एक चीज़ बताया गया है कि यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है उनको ORP 3 यानी 1 रैंक 1 पेंशन 3, जो कि 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव होने के बाद, इनको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, और साथ ही में यहाँ पर जो पैसा मिलेगा उसमें कौन सा बेस ईयर, कौन सा मिनिमम मैक्सिमम लगेगा और किनको फ़ायदा मिलेगा, ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। साथ में एक टेबल भी जारी किया गया है, तो वो भी हम यहाँ पर आपको देखेंगे, समझेंगे और बताएंगे, ताकि आपको ORP एरियर वेलफेयर की हर एक न्यूज़ बिल्कुल सही सटीक फ्री में मिलते रहे। तो फटाफट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक छोटी घंटी है, इन दोनों को आज ही दबा लीजिए। चलिए हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आई है, इसमें साफ साफ यहाँ बताया गया है कि जो ORP 3 यानी 1 रैंक 1 पेंशन 3 जिसका इम्प्लीमेंटेशन होना था, वो यहाँ पर पहले बोला गया कि 31 जुलाई तक होगा, उसके बाद बोला गया कि 10 अगस्त तक जो है इसका एरियर का पैसा आएगा, फिर बोला गया कि 15 अगस्त तक, लेकिन कोई भी सटीक यहाँ पर जानकारी नहीं दे पा रहा था कि ORP आखिरकार कब जारी होगा, कब यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उसी को मैं बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साफ साफ मंजूरी दे दी है ORP 3 के लिए। बाकी जो काम है अब यहाँ पर PCDA के हवाले है, क्योंकि PCDA जो है टेबल को तैयार करता है। इसी बीच एक अनुमानित टेबल भी जारी हुआ, जैसा आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये अनुमानित टेबल है जो कि 2023 का लेकर के बनाया गया है, पिछले वर्ष का। और इसमें जो यहाँ पर सिपाही, नायक हवलदार, नायब सूबेदार, ओनली नायब सूबेदार, सभी के रैंक का कितना एक्सपेक्टेड पेंशन बनेगा ORP 3 के अंदर, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।